देर रात से हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। कानपुर के जूही पुल पर हम खड़े हुए हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर जल जमाव बुरी तरीके से हो चुका है और पूरा पानी यहाँ करीब 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है और कार आपको दिखाएं, कार इसमें डूबी हुई नजर आ रही है। कुछ लोग साइड से निकल के आ रहे हैं। हर बार यही होता है कि जब भारी बारिश होती है, हल्की बारिश में भी जूही का पुल इस तरीके से डूब जाता है और लोगों की मुसीबतें बढ़ाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से जो आगे नहीं जा पा रहे हैं, या पीछे आपको सामने जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें वो गाड़ियाँ लेकर के लोग खड़े हुए हैं क्योंकि पानी भर गया है, जल जमाव इस कदर हुआ है कि वो इस पार नहीं आ पा रहे हैं। ये साइकिल वाले लोग हैं जो साइकिल से आ रहे हैं। क्या नाम है? कभी जिंदगी में समस्या नहीं हो पाएगी। क्या नाम है? वहीद अहमद। वहीद अहमद, क्या कह रहे हैं? अरे बरसों की समस्या, आज समस्या थोड़ी है। बता रहे हैं कि बरसों की समस्या है, सॉल्यूशन नहीं मिला, हल नहीं मिल पा रहा। क्या नाम भैया आपका? रमाकांत। अरे यहाँ का तो समस्या आज हम 20 साल से देख रहे हैं, कोई इसका आता भी पास भी होता है इसका, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हो पा रहा आज तक का। बारिश होती है तो भर जाता है? अरे इससे ज्यादा भर जाता, फुल पूरा हो जाता पुल यहाँ पे। हाँ ये तो एक एक बूंद भी गिरता है तो ये भर जाता है, वो आगे तक का। हाँ जब तेज पानी गिरता है। निदान नहीं मिला? कुछ नहीं। देखिए आम लोग हैं, किसी तरीके से निकल के आ रहे हैं। देखिए आपको तस्वीरें दिखाएं कि जो लोग किनारे से आ रहे हैं साइकिल पर, साइकिल लेकर के, कार देखिए वहाँ पे पूरी तरीके से डूबी हुई है और हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं जो उस पार लोग हैं वो आने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वापस अपने वाहनों को मोड़ करके चले जा रहे हैं। इस पार के लोग इधर वाहन मोड़ के चले जा रहे हैं और उस पार के लोग उधर वाहन मोड़ करके चले जा रहे हैं। बारिश होती है, हर साल होती है। जो लोग हैं आसपास से, जो लोग निकल रहे हैं वो कह रहे हैं कि सालों की ये समस्या है, बरसों से ये समस्या बनी हुई है, लेकिन बदस्तूर इसी तरीके से बारिश होती है, बारिश में जलजमाव होता है और जलजमाव में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।